हे गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है शिक्षा न्यूज़ यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, ये जो आज जो रिज़ल्ट के बारे में आपको मैं जानकारी बता रहा हूँ, वो रिज़ल्ट निकल के आ रहा है छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमिश्नर की तरफ से। तो ये देख लेते हैं कौन से रिज़ल्ट के बारे में बात करो। इंजीनियरिंग सर्विस के रिज़ल्ट के बारे में बात करता हूँ जो छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस की तरफ से जो निकल के आ रहा है। तो इससे जो अभी देखिए, लास्ट ईयर जो इसकी वैकेंसी आई थी, काफ़ी बच्चों ने जो इसका फॉर्म भरा था, 89 वाली पोस्ट है, जिसमें पोस्ट 89 थी, उस वाली पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, असिस्टेंट इंजीनियरिंग की। इसमें जो देखिए, इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी थी, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वैकेंसी थी, एंड मैकेनिकल और सिविल के लिए जिसमें वैकेंसी थी। तो इसका जो है वो रिज़ल्ट आ गया है, और इस वीडियो के माध्यम से जो है मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ। और बचा कर अभी तक आपने अपना रिज़ल्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले अपना रिज़ल्ट देख लीजिए, और होप आपका रिज़ल्ट अच्छा ही गया होगा। हमारी जो है शुभकामनाएं आपको शिक्षा न्यूज़ यूट्यूब चैनल से, है ना। तो आप देख लेना रिज़ल्ट, और इसका रिज़ल्ट जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा। अगर आपने शिक्षा न्यूज़ चैनल का अभी तक टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो है नोटिफिकेशन और रिजल्ट्स, एडमिट कार्ड की जानकारी जो है मैं आपको देता रहता हूँ, और सबसे पहले और पीडीएफ जो है आपको वहीं से डाउनलोड कर लेना और वहीं से आपको मिल जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, टेलीग्राम में जाना है, टेलीग्राम आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर जो है शिक्षा न्यूज़ आप डालना तो आपको रेड कलर का जो है हमारा लोगो दिख जाएगा, तो वो उसको जो है आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख लेना इसका रिजल्ट, आप इसका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया है छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस की तरफ से। और अगर आप शिक्षा न्यूज़ द्वारा जो है रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आपको सरकारीresults.com पे आ जाना। आप सरकारीresults.com पे जैसे आ जाओगे आप, तो उसके बाद जो है आपको सीधा 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 नीचे आ जाना है। नीचे में आप जो है यहाँ पे एक लिंक दिख जाएगा, यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे देखिए आपको लिंक दिख जाएगा। सीधा जो है आपको उस लिंक को, जैसी आप इस लिंक को क्लिक कर दोगे तो एक पीडीएफ जो है वो डाउनलोड होने लग जाएगी, मतलब एक जो पीडीएफ फाइल है वो डाउनलोड होने लग जाएगी, और फिर उसमें जो है आपका रिजल्ट पता चल जाएगा, रोल नंबर, उसमें नेम नोम जो है वो सब कुछ लिखा होगा, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में बस मैं यही बताना था कि इन रिजल्ट आ गया है, और आप देख लेना, आप होप आपका अच्छा ही रिजल्ट क्या होगा। और इस वीडियो के माध्यम से जो और भी बच्चों को बता देना कि उनका जो है इंजीनियरिंग लेवल का जो है रिजल्ट आ गया है स्टेट इंजीनियरिंग 2020 का, ठीक है। तो आप ग्रुप में मैं डाल दूंगा मैं रिजल्ट, ठीक है, आप वहाँ से भी जो है डाउनलोड कर लेना। चलिए फ्रेंड्स, फिर धन्यवाद आपका बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।